इस जिनालय से एक विशेष परंपरा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार यह जिनालय भद्रवा सुदी बीज के दिन पूर्ण मंगल रहता है और प्रभु वंचन के बाद देरासर खोला जाता है और महाआरती की जाती है। पूर्व में इस दिन यहाँ अमी झरना होती थी, उसके कुछ समय बाद यहाँ दूध की झरना शुरू होने लगी, परंतु अब यहाँ जन्म वांछन के दिन केसर की झरना होती है। यहाँ